सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और जितने भी साथी अभी ऑनलाइन है वो इस लाइव वीडियो से जुड़े साथियों, जितने भी साथी अभी ऑनलाइन है वो इस लाइव वीडियो से जुड़े और जय भीम से अभिवादन करें, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने साथी अभी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं। और साथी साथ के साथ शेयर करते रहें एक आवश्यक सूचना, आवश्यक मैसेज भीम आर्मी भारत एकता मिशन उत्तराखंड की टीम को। क्योंकि साथियों, मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार नैनीताल, उधम सिंह नगर, जसपुर, बाजपुर और कोटद्वार में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रचार प्रसार करके आया हूँ। आदेश अनुसार भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन सिंह जी। तो साथियों, जैसा कि फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जानकारी भी है, पता भी है कि जो अभियान भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा चलाया गया है, पूरे देश भर में 50 लाख भीम आर्मी कार्यकर्ता बनाओ अभियान जो चलाया गया है, उसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मेरा विशेष मैसेज कुछ साथियों को, साथियों मैं पहुंचा हूं रुड़की में और कुछ समय, 1-2 दिन घर पर बिताऊंगा, उसके बाद मुझे जाना है। अल्मोड़ा से हमारे साथ साथी जुड़े हैं, कुछ बागेश्वर से हमारे साथ साथी जुड़े हैं। जब मैं नैनीताल के अंदर था तो वहाँ पर नैनीताल के अंदर मुकेश भाई और उनकी बहुत बड़ी टीम हमें मिली और हमारा संपर्क अल्मोड़ा के साथियों से कराया गया, बागेश्वर के साथियों से कराया गया। वो साथी फेसबुक से मुझे लाइव भी देख रहे हैं। मैं बहुत जल्द पहुँचूँगा अल्मोड़ा और बागेश्वर में, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर से बाहर था तो सोचा थोड़ा समय घर पर बिता लिया जाए। तो साथियों, अब जो विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, उससे पहले उन समस्त बच्चों को जो बिहार के अंदर जो बुखार से पीड़ित बच्चे, जिनकी बहुत ही निंदनीय अवस्था में मौत हो गई, उन्हें मैं दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नम्न आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन साथियों, अगर इस पर गौर किया जाए, चिंतन किया जाए और वहाँ की सरकार, सूबे की सरकार, केंद्र की सरकार इस पर गौर करे, तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लग सकता है, कहीं ना कहीं बच्चों को बचाया जा सकता है अगर इस पर गौर किया जाए। लेकिन सरकार अब तक भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है और सरकार के नुमाइंदे इस पर तरह तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं कि वो अनुसूचित जाति के बच्चे थे। लेकिन साथियों, जो भी अभी सिस्टम चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं चल रहा है, ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। तो साथियों, विशेष मैसेज ये है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरिद्वार से जितने भी समस्त साथी जुड़े हैं, उन सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। देहरादून से साथी जुड़े हैं, उन्हें भी क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं लगातार 4-5 दिन से बाहर था तो लगातार मुझे यहाँ से फ़ोन जा रहे थे कि सर ये मामला है, ये मामला है। मैं उन समस्त साथियों को कहना चाहता हूँ, अब सिस्टम से थोड़ा काम किया जाएगा। क्योंकि साथियों, लगातार मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति लगातार भाग सकता है, सभी साथियों को बराबर की जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए और सभी साथी जिम्मेदारी के साथ काम भी कर रहे हैं। उन सभी क्रांतिकारी साथियों को पूरे जिला हरिद्वार की और समस्त जितने जिले में हमारी टीम है, समस्त साथियों को, उनके जो वो काम कर रहे हैं, उन सब साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। लेकिन साथियों, मैं समस्त साथियों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मामला किसी गांव में, किसी क्षेत्र में होता है तो उसे संज्ञान में आप लोगों को लेना पड़ेगा। जिस गांव में कोई मामला होता है तो वहाँ का ग्राम अध्यक्ष उसे संज्ञान में ले, और अगर ग्राम अध्यक्ष के स्तर का मामला नहीं है तो उसे मामले को विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर लेकर जाएं, विधानसभा अध्यक्ष उसमें संज्ञान ले। अगर विधानसभा अध्यक्ष के भी स्तर का मामला नहीं है तो तब जाकर उस मामले को जिला अध्यक्ष जी के संज्ञान में डालें, जिले की पूरी समस्त बॉडी के संज्ञान में डालें। क्योंकि जिला हरिद्वार के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद महाजन जी, कोई भी विधानसभा अध्यक्ष अगर किसी कार्य को करता है, किसी मामले में जाता है, तो
जिलाध्यक्ष जी की सलाह ले, और कोई मामला अगर उसके स्तर का नहीं है तो वो जिलाध्यक्ष जी को बोल सकता है। जिलाध्यक्ष जी मेरे पास तक और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नीलाल शिंदे जी भीम आर्मी भारत एकता मिशन उत्तराखंड से, उनके संज्ञान में ये मामला तब जाए जब जाकर अगर जिलाध्यक्ष जी के स्तर का मामला नहीं है तब जाकर हमारे पास मामला आना चाहिए। हम बिल्कुल सक्रिय हैं, 24 घंटे कार्यरत है। लेकिन साथियों, अगर आपके स्तर का मामला है और मैं कहीं और कार्यरत हूं तो उसे अपने स्तर से मामले को निपटाने का काम करें, उस मामले को अपने स्तर से आप लोग निपटाने का काम करें, ताकि हम लोग अगर प्रदेश उपाध्यक्ष जी या मैं कहीं किसी क्षेत्र में कार्यरत हूं तो हम उस कार्य को पूरा कर सकें। तो जितने भी ग्राम अध्यक्ष हैं उन सभी साथियों को बता दिया गया है, और हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोद महाजन जी, हमारे जिला प्रभारी सचिन वाल्मीकि जी, जिला सचिव और जिला प्रवक्ता जी, समस्त जिले की बॉडी, जितने भी हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी हैं, इसके बाद मैं एक पोस्ट डालूंगा, उनके समस्त जिले के पदाधिकारी, उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर डाल दिए जाएंगे। तो जो भी जिले के अंदर मामला होगा, सबसे पहले वो मामला ग्राम अध्यक्ष के संज्ञान में आना चाहिए, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में आना चाहिए, और विधानसभा अध्यक्ष के बाद वो मामला जिलाध्यक्ष जी के संज्ञान में आना चाहिए, और जिलाध्यक्ष जी के बाद वो प्रदेश लेवल के पदाधिकारियों के संज्ञान में आना चाहिए, चाहे वो मुन्नीलाल शिंदे जी हों चाहे मैं खुद हूँ। वो मामला आप लोगों को अपने स्तर से निपटाना चाहिए। तो साथियों, मैं उन सभी साथियों के नंबर भी डालूंगा, और जो विशेष बात जिस मुद्दे पर मुझे करनी है, मैं नैनीताल गया वहाँ साथियों से मिला, मैं कोटद्वार गया वहाँ साथियों से मिला, मैं बाजपुर गया, जसपुर गया वहाँ साथियों से मिला, काशीपुर गया वहाँ साथियों से मिला। एक बहुत ही बड़ी विडम्बना जो है, पिछले लगातार मैं पहले भी अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से बोल चुका हूँ, और मुझे वहाँ साथियों के बीच जाकर ये देखने को मिला और मैंने महसूस किया इस बात को कि आज बड़े स्तर पर बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत हमारे लोगों को अशिक्षित किया जा रहा है, हमारे लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। वो क्या है, पिछले लगातार तीन साल से उत्तराखंड के अंदर अब तक छात्रवृत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि छात्रवृत्ति के मामले में बड़े बड़े घोटाले यहाँ प्रशासन ने खोले हैं और लोगों को जेल भी भेजा है, लेकिन छात्रवृत्ति का अब तक कोई अता पता नहीं है। काशीपुर के अंदर ऐसे बहुत से साथी मुझे मिले हैं जो छात्र हैं। एक साथी ऐसा मिला मुझे जिसने बीटेक सेकंड ईयर में उसके एडमिशन है और छात्रवृत्ति ना आने के कारण उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। तो साथियों, जितने भी समस्त साथी इस वीडियो से जुड़े हैं, वो साथी अपने अपने स्तर से इस आवाज़ को बुलंद करें, और विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, समस्त टीम के जितने भी साथी हैं वो इस आवाज़ को बुलंद करें अपने जिलाध्यक्ष के साथ में मिलकर, और हमारे जिलाध्यक्ष उद्धम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष को कल शायद उनका परवाना चला गया है, तो उनकी रिहाई होने वाली है, तो उन्हें भी जिला उपाध्यक्ष जी अभी वहाँ पर कमान संभाल रहे हैं मोहम्मद जी, तो उन्हें भी मेरा ये मैसेज है कि उधम सिंह नगर के अंदर भी इस पर बड़े स्तर पर ये मामला संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर बड़े स्तर पर ज्ञापन लगना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। जिला हरिद्वार के अंदर भी, जिला देहरादून के अंदर भी, जिला नैनीताल के अंदर भी, और अल्मोड़ा में पहुंचूंगा तो वहां पर मैं खुद जाकर इस आवाज़ को बुलंद करूंगा। हो सकता है हमारे साथी, हमारे आदरणीय भाई प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नीलाल शिंदे जी, हम दोनों भाई शायद एक साथ अल्मोड़ा निकले, या फिर मुन्नीलाल शिंदे जी देहरादून से ऊपर नैनबाग का एरिया देखेंगे तो मैं अल्मोड़ा निकलूंगा, दोनों भाई अलग निकलेंगे तो कार्य भी ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन साथियों, जो छात्रवृत्ति का मामला है वो मामला बहुत ही बड़े स्तर पर मामला है। इस मामले को आप लोगों को संज्ञान में लेना पड़ेगा, और इस मामले को लेकर अपने अपने ज़िले से इसमें आप लोगों को बड़े स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि छात्रवृत्ति का मामला छोटा मामला नहीं है। बड़े स्तर पर हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बड़े स्तर पर हमारे बच्चों के एडमिशन कैंसिल किए जा रहे हैं, और छात्रवृत्ति ना आने के कारण बड़े स्तर पर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद हमारे बच्चे घर बैठने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं कि वो सालाना या ईयरली सालाना या छमाही फीस भर सकें। तो साथियों, क्योंकि सेमेस्टर वाइज भी फीस, अगर किसी बीटेक छात्र की सेमेस्टर वाइज फीस लूँ तो कम से कम 50,000 से तो नीचे नहीं होगी, तो इतने मजबूत उनके माता पिता नहीं हैं। जिन साथियों से मैं काशीपुर के अंदर मिला हूँ वो इस बात को संज्ञान में लेने के लिए बोल भी रहे हैं। तो साथियों, पहले भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरिद्वार के साथियों ने इसमें संज्ञान में मामला लिया है और इसमें ज्ञापन भी दिया है। एक बार फिर से इस आवाज़ को बुलंद किया जाए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के समस्त जिलाध्यक्ष, चाहे वो हरिद्वार से हों, देहरादून से हों, नैनीताल से हों,
या फिर उधम सिंह नगर से हो, सब अपने अपने स्तर पर इसमें लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और इस मामले को संज्ञान में लेना पड़ेगा। दूसरा मामला ये है कि जिला हरिद्वार के अंदर और जिला सहारनपुर के अंदर कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक घटना घटी थी, जो शराब कांड हुआ था, उसमें लगभग 146 लोगों की मौत हुई थी और 146 लोगों को राज्य सरकार द्वारा उनके परिवार को आश्वासन दिया गया था, और आश्वासन देने के बाद आज तक भी राज्य सरकार ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है कि मृतक के परिवार को बतौर मुआवजा 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। आज तक राज्य सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, तो इसमें भी हम लोगों को बड़े स्तर पर उन लोगों से संपर्क करके बड़े स्तर पर, चाहे वो धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे फिर किसी भी स्तर पर हमें इसमें आंदोलन करना पड़े, ज्ञापन देना पड़े, इस पर भी जिलाध्यक्ष जी संज्ञान लें। और दूसरा मामला ये है साथियों कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों ने पहल की है शराब को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी, जिला हरिद्वार की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी जिला हरिद्वार के अंदर अवैध शराब का निर्माण बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन आज भी शासन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा है और जिला हरिद्वार का प्रशासन इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा हुआ है। जबकि हमारी, जब ये शराब कांड हुआ था, 140 लोगों की मौत हुई थी इसमें, जबकि हमारी जिला हरिद्वार के कप्तान साहब जनजय खंडूरी और जी और जिला हरिद्वार के डीएम साहब दीपक रावत जी से इस मामले पर बात हुई थी, उन्होंने संज्ञान भी लिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें जिले लेवल पर एक ऐसी टीम गठित की जाएगी जो शराब मामले में बिल्कुल भी दोषियों को बिल्कुल भी उनकी बख्शीश नहीं की जाएगी जो अवैध शराब का निर्माण करते हैं, और बड़े स्तर पर इस पर अभियान चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ हरिद्वार प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई पहल अब तक नहीं की गई है, तो मेरा मैसेज अगर पहुँच रहा है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों का, ये मैसेज सभी साथियों का, ये मैसेज जिला हरिद्वार के प्रशासन तक अगर पहुंच रहा है, तो वो इस मामले में बड़े स्तर पर संज्ञान लें और एक ऐसी टीम का निर्माण करें जो बड़े स्तर पर शराब माफियों का पर्दाफाश कर सके, क्योंकि आज भी शराब का निर्माण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और जो मैंने स्कॉलरशिप पर बात की है, साथियों से संज्ञान मिलें और मैं खुद भी उस मामले पर अब कार्य करूँगा, और जो हमारे पास अभी 10 दिन का समय बचा है, तो जहाँ जहाँ पर भी हमारी टीम गठित नहीं हुई है, वो मैं इसके बाद फेसबुक पर एक पोस्ट डालूंगा, पोस्ट में सभी पदाधिकारियों के नंबर होंगे, नाम होंगे, तो जिस जिले से जो व्यक्ति आता है वो अपने जिले के पदाधिकारी से संपर्क करे, भीम आर्मी से जुड़े, क्योंकि साथियों बड़े स्तर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन हो चुका है और बड़े स्तर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हर जगह जाकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करें और बड़े स्तर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का निर्माण करें। जो साथी जिस क्षेत्र से आता है वो अपने क्षेत्र के पदाधिकारी से संपर्क करेगा और भीम आर्मी भारत एकता मिशन की मीटिंग का आयोजन अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कराएगा और भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़ने का काम करेगा। जितने साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं वो साथ के साथ शेयर कर दें ताकि मेरा मैसेज ये पहुँच पाए। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि साथियों बर्डन बहुत है, काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, तो घर पर फालतू का समय बर्बाद ना करें, फालतू के लोगों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि लोग, अगर आप काम करेंगे तो लोग टिप्पणी भी करेंगे, तो टिप्पणी करने वाले लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और अपने पद की गरिमा समझते हुए, जिम्मेदारी समझते हुए अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में काम करें। और अगर किसी भी स्तर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक मैसेज है कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी अगर किसी भी लेवल पर किसी अपने अपर पदाधिकारी के साथ में किसी भी प्रकार का अगर अभद्र व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि हमें काम करने वाले लोग चाहिए, निठल्ले लोगों की आवश्यकता भीम आर्मी भारत एकता मिशन में नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, अगर क्योंकि संगठन में प्यार होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, और अनुशासन अगर होगा तब जाकर संगठन आगे चल पाएगा, तो अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अगर संगठन के अंदर कोई अनुशासनहीनता करता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, मैं अनुशासनहीनता करता हूँ, तो मेरे खिलाफ भी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो अगर कोई भी पदाधिकारी किसी पदाधिकारी के साथ बदसलूकी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और रिजल्ट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा।
साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीलासलाम, जय भीम आर्मी।